इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने सीटें तो कमाई ही कमाई, लेकिन उसके साथ साथ बाहर के देशों की प्यार और इज्जत भी बहुत सारी कमाई। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी उनकी लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी चुनावी जीत पर। बेंजामिन नेतन्याहू 2022 से इसराइल के प्रधानमंत्री है और उससे पहले वो 1996 से 1999 तक और 2009 से 2021 तक प्रधानमंत्री थे। वो इसराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवर्त प्रधानमंत्री हैं और वो 16 साल से इसराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं इससे पहले। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पोस्ट में मोदी जी को बधाई देते हुए बोला कि वो चाहते हैं कि इसराइल और इंडिया की दोस्ती आगे बढ़ती रहे और नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। इस वक्त इसराइल और हमास की जंग पिछले 8 महीनों से चलती आ रही है। और भी काफ़ी देशों के प्रधानमंत्रियों ने मोदी जी को बधाई दी, जैसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने, जिन्होंने बोला कि वो दोनों देशों की समस्याओं को साथ मिलकर ख़त्म करना चाहती हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग ने भी मोदी जी को बधाई देते हुए कहा कि वो सिंगापुर और इंडिया की पार्टनरशिप को और गहरा करना चाहते हैं और दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्तों की 60 साल की सालगिरह मनाना चाहते हैं। जमैका और मालदीव्स के भी प्रधानमंत्रियों ने मोदी जी को बधाई दी और मोदी जी ने मालदीव्स के प्रधानमंत्री मोहम्मद म्यूजियो को धन्यवाद बोलते हुए कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस को मोदी जी ने कहा कि जमैका और इंडिया के रिश्ते सदियों पुराने हैं और वो दोनों देशों के नागरिकों के विकास के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहिए वीओवा न्यूज़ के साथ।